जब डिक्टेटर वाली बात है, जब आप जबरदस्ती कहीं कर रहे हैं, जैसे हिंदू युवा वाहिनी के लोग जो है, ये क्या नाम है, विश्व हिंदू RSS और ये जो है बजरंग दल, आप कहीं जबरदस्ती करते तो आपकी हर चीज़ जायज रहती है और दूसरा कोई करे तो नाजायज रहेगी। कोर्ट के माध्यम से तो हो रही है, कोर्ट के माध्यम से तो कोर्ट अपना धर्म का हक मांगना कौन सी जबरदस्ती है। हमारा धर्म हमको कहता है धर्मो रक्षति रक्षतः, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमारा जो सनातन धर्म है अनादिकाल का, यह आज का बनाया हुआ धर्म नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये आज से नहीं है, सभी धर्मों का जन्मदाता सनातन धर्म ही है, सभी उससे निकले हुए हैं, ठीक है। आज अगर आप कह रहे हैं कि 2 लाख आ जाइए, सड़क पर आ जाइए, ये इस तरह का जो है हिंसात्मक बयान देना, ये कौन सा उचित है आप बताएं। और दूसरी बात, देखिए उकसाने का, दूसरी बात उकसाने का काम, ये न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, ये जो चल रहा है बाबरी मस्जिद वाला भी, ये न्यायालय पे छोड़ दीजिए ना आप। सबूत जो मिल रहे हैं वो सनातन धर्म संबंधित तो विश्वनाथ जी के ही मिल रहे हैं, तो वहाँ मस्जिद कैसे हो गई? विश्वनाथ जी के विरोध आपने तोड़ करके कोई चीज बनाई? ये बोल रहे हैं कि जो ये बोल रहे हैं करना चाहते हो तो उसमें गलत क्या है? ये बोल रहे हैं कि जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम करती है। देखिए राजनीति है तो राजनीति तो आप राजनीति करेगी, राजनीति तो राजनीति होगी, समझ रहे हैं। लेकिन जनता को, हम आपको सबको ये चीज़ समझना चाहिए कि राजनीति तो अपनी रोटियां सेंकेगा ही सेंकेगा, 100% सेंकेगा। पहली बात, राजनीति जब हो और अपना राजनीति करें, लेकिन उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, ये बाबरी मस्जिद है, मथुरा है, ये राम मंदिर जो अभी क्लियर हुआ, ये सब मुद्दे हैं, ये हमारे मूल से जुड़ी हुई चीज़ हैं। हरे प्रत्येक सनातनी चाहेगा कि हमारा जो मूल अस्तित्व, जो मैन है, विश्वनाथ जी हैं, राम जी हैं, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण हैं और भी बहुत से हैं, तो सनातन धर्म का जो छीना गया है, अगर कोई सरकार उसको वापस कर रही है तो इसमें गलत क्या कर रही है? जब 80 नाले के अंदर में इतनी मूर्तियां फेंकी गई थी तो वहाँ पर हिंदू कहाँ थे? उनको वहाँ पर क्यों नहीं विरोध किया गया? एक औरंगजेब का, क्योंकि औरंगजेब मुसलमान था, इसलिए विरोध करने की बात है। और ये अपने औरंगजेब जो उठा करके इतने मूर्तियों को फेंके 80 नाले में, वहाँ पर हिंदू कहाँ थे? बिल्कुल विरोध हुआ उसका। कहाँ विरोध किया? किसी ने नहीं विरोध किया। विरोध हुआ है, विरोध हुआ है, विरोध होने के अलावा किसी ने भी विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं विरोध किया, और उन्होंने उस चीज को सही भी किया, उन मूर्तियों को लेकर के सही जगह स्थापित भी करवाया। अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी सरकार देख रहे हैं, आप एक शब्द बोलिए उठा के जेल में ठूस दिए जाएंगे। तो आप अपने मन की बात भी नहीं कर सकते, आप अपने बात को बिना अनुशासन के शासन होता ही नहीं है। तो अनुशासन गवर्नमेंट के अनुशासन पर, अनुशासन पे नहीं चलेंगे तो शासन कैसे होगा? मनमाना करने दे सरकार तो सरकार अच्छी है। मैंने कर्जा ले करके, कांग्रेस कर्जा ले करके आपका पेट भर रही थी, आपको दे रही थी तो अच्छी थी वो। आज BJP कर्जा पाट रही है, वो आपकी व्यवस्था अनुकूल बना रही है तो वो गलत हो गई। आपके ऊपर जन्म से जन्म बच्चा गर्भ में है, वो कर्जा कर्जा में ही पैदा हो रहा है। दे तो रहे हैं, डकार खा तो नहीं रहे हैं, कम से कम दे तो रहे हैं आपको, वो दे तो रही है अन्न अन्न इतने कोरोना का। जी ये मंदिर पे आते हैं तो ये बताइए, जो सर्वे हुआ है और शिवलिंग मिला है तो क्या मतलब उसको मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ, उसको तो मुसलमानों को कायदे से उसको मंदिर मान लेना, वो तो नहीं दे रहे चाहिए। हम तो इस पक्ष में है, नहीं दे रहा तो वो तो बात ठीक है कि कोर्ट में जाएगी बात, वो सब चीज़, लेकिन देने ना देने की कोई बात ही नहीं है। जो कानून कहेगा उसको देना पड़ेगा आपको, हम कोई छीन नहीं रहा है आपसे। जैसा कि लोग कह रहे हैं, दिया जा रहा है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि 1991 के तहत लोग कह रहे थे कि जो मंदिर मस्जिद जो जैसे था वैसे ही रहना चाहिए, तो हमारे कहने मतलब ये है कि वही 1990 के तहत जब कहा गया था, तो वही कोर्ट आज कह रही है ना कि सर्वे कराने के लिए, तो इन लोगों ने क्यों रोका जब सर्वे किया जा रहा था? तो वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद के पास लोग क्यों भीड़ बना के इकट्ठे थे? क्यों कमिश्नर को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था? फिर उसके बाद फिर लोग गए सर्वे किए तो उसमें क्या निकला? घंटी निकले, क्या नाम है, कमल का फूल निकला, हाथी निकली, पान निकले, नाक का वो निकला, सब कुछ निकला। तो इन लोग क्यों मना कर रहे हैं? ये भी जानते हैं कि हाँ उसके अंदर वो शिवलिंग है, वो वहाँ पे हमारे महादेव हैं, वहाँ लोग इतने साल से वहाँ वजू कर रहे थे, यानी वो लोग झूठ थे, वो लोग जान रहे हैं कि वहाँ पे शिवलिंग है, नहीं तो क्यों मना कर रहे थे कि वहाँ शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग नहीं है? आप हमको ये बताइए, जो ये कह रहे हैं कि नहीं हम कोर्ट को नहीं मानते, आज वही कोर्ट आपके साथ है ना? पहले कहते थे जो कोर्ट कह दिया वही मान्य होगा, आज वही कोर्ट कह रहा है ना सर्वे के लिए, तो आप लोग क्यों रोक रहे थे? यहाँ सबको पता है कि वहाँ शिवलिंग था, है और रहेगा। सांच को किस चीज़ की आँच? अगर जो सच है, सत्यम परम धीमहि,
जो सच है उसको सच को स्वीकार लेना चाहिए, सच को स्वीकारना चाहिए। देखिए अगर आप कह रहे हिंदू लड़ रहा है तो मुसलमान ये छोड़ क्यों नहीं दे रहे इनको, फ्री कर दें, लड़ाई खत्म हो जाए। अरे आपको जमीन कहीं और ले लीजिए, सरकार का आप फ्री हो जाइए ना। मुस्लिम कर रही है, हम लोग तो सिर्फ अपना हक ले रहे हैं जो हम लोग से छीन लिया गया था। लड़ाई हो जाए, हम लोग तो सिर्फ अपना हक ले रहे हैं। इसमें सरकार कहाँ इन्वॉल्व हो, 5 महिलाएं हैं, उन्होंने याचिका दायर की है। तो उसमें बिना सरकार के सहयोग के थोड़े कोई चीज होता है। आप में इस गढ़ से लड़ने की, आप चलिए लड़ करके ले लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, चलिए गिरा दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर इतने सालों से नहीं बना या कुछ भी नहीं हुआ तो उसमें कांग्रेस सरकार का हाथ था। इसमें जो राम मंदिर इतने सालों से नहीं बन पाया था या जो राम मंदिर अभी बन गया है तो क्या बीजेपी ने बनवा दिया है? तो ये लोग तो यही तो कर रहे हैं, ये लोग तो श्रेय ले रहा है कि कोर्ट का कहाँ कोर्ट को श्रेय दे रहा है, ये लोग तो हाँ तो कोर्ट से तो ये लोग तो कहते हैं कि मोदी ने बनवा दिया, योगी ने बनवा दिया, इन्होंने बनवा दिया। सरकार कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रही है, सरकार कहाँ चल रहा था ना, सरकार कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रही है? इसमें तो जो याचिकाकर्ता महिलाएं गई है, सरकार पीछे से ही, सरकार के ही सब कुछ करवाती है, किसी को भी खड़ा करा करके आज से नहीं हम देख रहे हैं इस चीज़ को। जब कोई कानून या कोई चीज़ नियम लागू करने को रहता है ना, कभी रामदेव से बुलवा देंगे, कभी किसी से बुलवा देंगे, इस तरह से करवा करके करना उनको वही चीज़ है, मगर दूसरे तीसरे से पहले बुलवा देंगे फिर उसके बाद वो करेंगे। सरकार चाहे जिस रूप में जैसे भी कर रही है, न्यायालय से के द्वारा ही तो कर रही है, न्यायालय जो कह रही वही सरकार कर रही है ना। माने आप न्यायालय माने उच्च न्यायालय भी गलत है, उन्हीं के आदमी बैठे हैं। आज तक देश में जितने डिसीजन न्यायालय ने लिए सब गलत थे। स्टेट में अगर कोई चुनाव होता है कहीं होता है, वहाँ पर सीबीआई पहुँच जाती है छापा मारने के लिए, विपक्ष यहाँ एक पक्ष वालों सत्ता पक्ष वालों के यहाँ सीबीआई क्यों नहीं छापा मारती है, क्यों नहीं मारती? हाँ तो बताइए हमको, कोई बताइए कोई एग्जांपल। ऐसे तो जिसकी सरकार रहेगी न्यायालय उसी के अधीन हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, तो न्यायालय पे विश्वास नहीं है? देखिए इस समय जो सीजेआई है उन पर तो विश्वास है, इसके पहले वालों पर तो नहीं था। नहीं मैडम, क्या कहेंगे जो मैटर हो रहा है, क्या अभी मंदिर का मुद्दा है, क्या कहेंगे? हम जिस भारत में रहते हैं उस भारत के संविधान पे हमको पूरा भरोसा है और कानून का जो फैसला होगा वो सही होगा, क्योंकि हमारे भारत का जो कानून है 7 देशों से लेकर मिलकर बनाया गया है, तो हमारे भारत का जो संविधान है कठोर भी है लचीला भी है, तो हमको उस पर पूरा भरोसा है। अगर ये मामला कोर्ट पर गया है तो कोर्ट का जो फैसला होगा वो सही होगा। जो भीड़ तंत्र बनाने का प्रयास हो रहा है, मुसलमानों के नेता कह रहे हैं कि 2,00,000 जेल भरो, इस तरह का मतलब दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है, क्या कहेंगे मुसलमान लोग? नहीं हमको न्यायालय पे भरोसा है, दबाव बनाएंगे ही, हर कोई दबाव बनाता है। हिंदू दबाव बनाने लगे तो फिर दंगा हो जाएगा, लोग बोलेंगे मोदी दंगा करा दिए, क्या चीज? यदि हिंदू भी उस तरह से दबाव बनाने लगे, सड़कों पर आ जाए, उनके देवता को दबाया गया इतने सालों से लेकिन वो तो सड़क पे नहीं आ रहे हैं। हाँ तो हम ये नहीं कह रहे कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, उनको जेल में बंद करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, हम तो कह ही रहे हैं इस बात को, लेकिन सवाल इस बात का कोई भी चीज़ एक पहले एक बार बैठ करके बात करके भी समस्या का निराकरण किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं। अब वो जैसे एक बात होती है, नेता हैं इनके, हम तो किसी पार्टी के हैं नहीं, हम तो नेताओं की बात सुनते रहते हैं, पक्ष विपक्ष सब तो करीब करीब मिले, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, उनको तो करना है, खाना है, कमाना है, इसी के ऊपर करना है, मरना तो जनता को सिर्फ है हम लोग को। अब रह गई बात की जो वो कर रहे हैं इस चीज़ को, इसको तूल देने की बात 2024 की राजनीति है। 2024 अगर ज्ञानवापी का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में नहीं छाएगा तो हिंदू को एक तरफा करना है इनको वोट लेने के लिए, ताकि सरकार इनकी बनी रहे, लेकिन इनको और किसी चीज़ से मतलब तो है नहीं, कि आम आदमी क्या क्या परेशानी झेल रहा है इसको मतलब है नहीं। तो अभी हम कहते हैं जो अंसार जो पकड़ाया वहाँ पर, उसका क्या नाम था, जो जहांगीरपुरी वाला, वो बीजेपी का आदमी निकला ना, कि किसी दूसरे का निकला, बीजेपी का निकला ना, तो इसी तरीके से ये खड़ा कर लेते हैं पैसे के बल पर, 4 आदमी इधर से 4 उधर से खड़ा कर दो और उसके बाद पूरी राजनीति कर लो, जनता बेवकूफ़ है जो चाहे कर ले, आम आदमी को इतनी फुर्सत है ये सब करने की? अब वो तो अपने खाने कमाने में परेशान है। तो क्या बीजेपी दंगा करवा रही है? हमको ये बात हम ये नहीं करेंगे। ये बताइए, ये जो मौलाना है, ये जो आपको दे रहे हैं खड़े हो करके कि 2,00,000 आदमी जुट जाइए, तो जो है आपको मस्जिद नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, और हम तो न्यायालय जो कहेगा वही ना आप करेंगे, कि आप लोगों को इकट्ठा करवाएंगे, 2,00,000 इकट्ठे हो जाइए, दंगा शुरू हो जाए। हमारी बात सुन लीजिए, अभी आप कहे कि बीजेपी दंगा करवा रही है, हम क्यों कहें कि बीजेपी दंगा करवा रही है, लेकिन हम कह रहे हैं ये चीज़ कि अगर किसी चोर को घर की चाबी सौंप दीजिए तो चोरी करेगा?
और कोई चोर नहीं था, बीजेपी चोर है। नहीं, दंगा की बात पर हम दंगा की बात पर कर रहे हैं। सपा चोर नहीं, दंगा की बात पर कर रहे हैं हम। दंगा की बात पर हम ये उदाहरण दंगा की बात पर दिए हैं, केवल बीजेपी चोर हम दंगा की बात पर दिए हैं। इस बात को आप जैसे बीजेपी शासित राज्यों में दंगा नहीं होता तो क्यों नहीं होता जब कांग्रेस के साथ? देखिए, मामला अभी कोर्ट में हेयरिंग चल रहा है। जैसे इसी तरह जिस प्रकार से पहले बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो प्रकरण अयोध्या में था, जिस तरह कोर्ट ने फैसला सुनाया और सनातन धर्म की विजय हुई, वहाँ राम मंदिर घोषित हुआ, उसी तरह में कोर्ट पर भरोसा है। अभी सुनवाई चल रही है, अभी पुरातत्व विभाग संरक्षण करेगा, तो अभी तमाम प्रक्रियाएँ अभी पेंडिंग है, बाकी है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कोर्ट पर है, भरोसा है कि जो आएगा अच्छा आएगा। देखिए सर, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, ये मामला तो बहुत पेचीदा है। इसमें अधिक से अधिक जनमानस को, इतिहास के पिछले पन्ने को जो है, सबको जो है सचेत करना चाहिए कि वास्तव में वहाँ पर पहले क्या था। क्योंकि 1869 में वहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद, जैसे राम मंदिर को जो तोड़ के बाबर ने बनवाया, उसे 1869 में औरंगजेब ने वो विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। अच्छा, 1670 में उसने जो है कृष्णदेव मंदिर को तोड़ के कृष्ण के स्थान को भी अधिग्रहण किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस समय, क्योंकि लोकतंत्र है, हमको लोकतंत्र के ढांचे में चलना है, तो इतिहास के जो है पन्ने को जो है हर जनमानस में यह चीज़ हमारा है और उनको बताना, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उनको बताना जरूरी है कि नहीं, आप जो है ये हमारे चीज़ को जो है आपके पूर्वजों ने अधिग्रहण किया है, या हमको अगर आप प्रेम से दे देते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो कोर्ट और न्यायालय तो बना है। और अगर लाख दो लाख जुटाएंगे तो इससे क्या जो है यहाँ अरबों की आबादी है, लाख दो लाख एक दो मिनट में खाक हो जाएंगे, अपना ये बात नहीं है। तो इसलिए हम, हमारा यही कहना है कि किसी भी माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से या संचार माध्यम से, उन मुसलमानों को जो नई जनरेशन के, जो 350 वर्ष पुराना चीज़ है, नई जनरेशन के लोग जानते नहीं हैं, वो तो यही कहेंगे कि अरे हमारे बाप की जागीर है, उनको बताना होगा कि नहीं देखो ये तुम्हारी चीज़ नहीं है, तुम्हारे पूर्वजों ने जबरी अधिग्रहण कर लिया, इसलिए अब समय आ गया है कि इनको वापस कर दिया, खत्म कर दिया। तो आपने देखी बनारस की जनता गिराए, आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।